नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको दूंगा सबसे ज़रूरी जानकारी एक पैरालिसिस मरीज़ के लिए। अक्सर एक बहुत बड़ी गलती पैरालिसिस के मरीज़ करते हुए मिलते हैं कि वो अपनी मेडिसिन को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और कभी कभार जाने अनजाने में अपनी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन को वो बंद कर देते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि पैरालिसिस दोबारा से हो जाता है। तो उसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम ये गलतियां ना करें और किस तरह से अपनी मेडिसिन को हम समझें। तो पैरालिसिस को समझो कि पैरालिसिस आपके कभी हाथ पैर का रोग नहीं होता, वो आपके ब्रेन में कभी क्लॉट आया होता है, ब्रेन के अंदर कोई नस फटी होती है जिससे ब्रेन के हिस्से को नुकसान होता है। यानी दो कारण से हमें मेजरली देखने को मिल रहा है कि पैरालिसिस होता है। पहला है क्लॉट आना, दूसरा है कि नस फटना। क्लॉट क्यों बनता है इसे समझने की कोशिश करो। क्लॉट तब बनता है जब हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो, खून का थक्का बन जाता है, या फिर शुगर की मात्रा ज़्यादा हो, या फिर दोनों हो। तो अगर आप शुगर के पेशेंट हो, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी ज़्यादा रहती है, अगर आप हेल्दी हो, आपको पैरालिसिस नहीं हुआ तो आपके होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आपको पैरालिसिस हो चुका है उसके बाद भी आप अपनी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन को बंद कर देते हो या फिर खून पतला करने की मेडिसिन को बंद कर देते हो, शुगर अनकंट्रोल रखते हो, इनमें से कुछ भी एक चीज़ भी आप गलती करते हो तो आपके पैरालिसिस होने की संभावना बढ़ गई। तो अक्सर देखा क्या जाता है कि पैरालिसिस का पेशेंट मेडिसिन खा रहा होता है, वो कुछ महीने खाता है, कुछ साल खाता है, उसके बाद लगता है मैं तो ठीक हो ही नहीं रहा, तो मैं इन मेडिसिन को बंद कर देता हूँ, इनका कोई फायदा नहीं, उनको उठा के वो फेंक देता है डस्टबिन के अंदर। और रिजल्ट क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर से पैरालिसिस का अटैक हो जाता है। और जब दूसरा अटैक होता है तो पेशेंट को वहाँ से रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आपने ध्यान क्या देना है कि अगर आपके ब्रेन के अंदर क्लॉट आया था तो आपको अपने खून पतला करने की दवाई किसी भी कीमत में नहीं छोड़नी। हर 3 महीने 4 महीने में अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवा लो। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा आ रही है, आप देख रहे हो कि इसमें LDL ज़्यादा आ रहा है, टोटल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ रहा है, तो अपने कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन को चालू रखो। बाकी आप मेडिसिन खाओ या ना खाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपने इन मेडिसिन को किसी भी कीमत में बंद नहीं करना होता। दूसरा सबसे बड़ा कारण पैरालिसिस के अंदर होता है नस का फटना। जैसे मैंने आपको बताया, जब ब्रेन के अंदर कभी हाई BP की वजह से कोई नस फट जाती है तो ब्लड ब्रेन के अंदर ही लीक कर जाता है, और जब ब्रेन के अंदर ब्लड लीक करता है तो वो एक हिस्से को नुकसान पहुँचाता है। यानी यहाँ पर पैरालिसिस होने का कारण नस फटना नहीं, नस को फाड़ने वाला जो ब्लड प्रेशर हाई था वो था। अब समझो कि एक पैरालिसिस का पेशेंट जिसके ब्रेन को नुकसान हुआ नस फटने की वजह से, BP हाई की वजह से, वो BP की मेडिसिन छोड़ दे तो क्या होगा, दोबारा से उस कमज़ोर हिस्से में नस फटने की संभावना बढ़ गई। अगर ये दोबारा से होगा तो दोबारा से लकवा होगा, तो दोबारा से हमने ये गलती नहीं करनी। तो अगर आप BP हाई के पेशेंट हो, BP मेडिसिन आपको दी गई है और आपने उसको बंद कर दिया है, तो आज से ही उसको शुरू करो। अपने BP को डेली बेसिस पे मॉनिटर करो। BP अगर ज़्यादा लग रहा है तो अपनी मेडिसिन को बढ़ाओ। मेडिसिन खा रहे हो इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरा BP कंट्रोल हो गया। BP कंट्रोल में तब पता लगेगा जब हम BP को चेक करेंगे। तो मेडिसिन लेने के बाद दिन में कम से कम एक बार मेडिसिन खाने से पहले अपना BP चेक करो। तो ये गलतियाँ आपने नहीं करनी। पहला, मेडिसिन जो आपको दी जाती हैं खून पतला करने की या फिर BP की, आपकी कंडीशन के अनुसार कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन और डायबिटीज़ की मेडिसिन को आपने कंटिन्यू रखना होता है फॉर लाइफ टाइम, क्योंकि डायबिटीज़ ठीक नहीं होता। BP एक बार पैरालिसिस पेशेंट में बढ़ना शुरू हो जाए तो सिर्फ 10% पेशेंट में ऐसा होता है कि BP की दिक्कत परमानेंट तरीके से ख़त्म होती है, वरना वो लाइफ टाइम बनी रहती है। खून पतला करने की अगर आपको दवाई दी गई है खून का गाढ़े होने की वजह से कि थक्का बना था, तो खून पतला करने की दवाई किसी भी कीमत में मत छोड़ना। इनको छोड़ते ही आपको दोबारा से पैरालिसिस होने की चांसेस हो जाते हैं। जो लोग हेल्दी हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भी समझना ज़रूरी है कि जब हमारे शरीर में BP बढ़ता है, शुगर बढ़ता है या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, तो हमारे डिफरेंट ऑर्गन को डिफरेंट तरह का नुकसान हो सकता है। तो उनको अपना BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पैरालिसिस पेशेंट से मिले, उनकी वीडियोज देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पैरालिसिस पेशेंट की हेल्प की जाती है श्रेयस में। इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि इस सेल में जितनी भी पैरालिसिस रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं, जो डाइट है, उसको आप गहराई से समझने की कोशिश करो। कि इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं पैरालिसिस से रिलेटेड, सारी की सारी वीडियो एक एक करके देखो, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि मैंने किस तरह से एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि पैरालिसिस को ठीक करने के लिए, पैरालिसिस से रिकवरी के लिए आपको इन सभी की बहुत जरूरत पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ हैं
मोहनजीत सिंह जी, मोहन सिंह जी को लेफ्ट साइड का पैरालिसिस हुआ था 6 महीने पहले, और ये 1 महीना पहले हमारे पास साइंस संजीवनी के सेंटर में आए थे। तो मोहनजीत जी, आपको 1 महीने पहले क्या कंडीशन थी आपकी? ये हाथ मेरा बिल्कुल भी नहीं हिलता था, बिल्कुल भी नहीं। कैसा, बिल्कुल लटका हुआ था? बिल्कुल ऐसे लमका हुआ था जैसे लाश होती है। आप उठाओ, ये दूसरा हाथ उठाओ। ये फर्क कितने टाइम में आया? ये फर्क वन मंथ में, 1 महीने के अंदर आपको आया। बाकी अपनी आपको बोलचाल में फर्क नजर आया होगा? बोलचाल में काफी फर्क है। पहले मतलब हकला के बोलता था बहुत ज्यादा, अब थोड़ी सी साफ हुई है। ठीक है, तो 1 महीने की दवाई से आप में इतना फर्क आ गया, तो कितना लगता है कि कितने परसेंट आपकी बॉडी के अंदर फर्क आ गया 1 महीने की दवाई? 1 महीने में 30-40% आ गया। 1 महीने के अंदर 40% तक आ गया, हाथ पूरा आपका उठने लग गया है, जान भी आ गई है हाथ में, जान भी आ गई है। तो कितना लगता है कितने टाइम में ठीक हो जाओगे? 2-3 महीने। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, पैरालिसिस कैसे पता लगा था पैरालिसिस हुआ, क्या किया था आपने? बीपी हाई हो गया था मेरा, अटैक हुआ मेरे को, मैंने बाथरूम में था, मैं नीचे गिर गया। आप चाहें तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और पा सकते हैं फ्री कंसल्टेशन सीधे हमारे एक्सपर्ट से। कोई चीज होती है नॉर्मल आदमी को तो पता ही नहीं होगा, तो मेरे को पता नहीं चला। मेरा हाथ उठाऊं ये वाला लेफ्ट वाला तो उठता ही नहीं था, खड़े होने की कोशिश करूँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा। फिर मैंने हिम्मत करके सामने टूटियाँ लगी थी तीन, उनको पकड़ के उठने की कोशिश करी, वो मतलब फिसल गई, मैं दोबारा नीचे गिर गया। तो उसके बाद हमने इलाज करवाया था? इलाज मेरा चला था जी। कहाँ चला था? मेरा इलाज चला था पंजाब में। पंजाब में कितने टाइम चला? वहाँ 25 दिन चला था, उसके बाद 4-5 महीने में चला होगा ना वो, हॉस्पिटल में चला था वो। ठीक है, उसके बाद महीने भर बाद मैं यहाँ आ गया दिल्ली, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, दिल्ली वापसी आ गया। उसके बाद मैंने वहाँ दिखाया जेबी पंथ में मेरे को 5 महीने मैंने वहाँ दिखाया, मेरे को कुछ फर्क नहीं दिखाई दे रहा था, तो फर्क नहीं आया। और यहाँ एक महीने में मेरे को गाड़ी बहुत तेजी से चलने लग गई, बहुत फर्क मिल रहा है, बहुत ज्यादा। चलिए, अभी आपको क्या दिक्कत महसूस हो रही है 1 महीने के बाद? 1 महीने में हल्के से जकड़न है बस पैर के यहाँ ऊपर, सिर्फ जकड़न है। चलने में आराम आया पहले से? ठीक चल लेते हो पहले? हाँ, चलने में काफी फर्क है, बस थोड़ी सी वो जकड़न कूले में आपको जकड़न सी महसूस हो रही है। कोई बात नहीं, उसको इस महीने हम निकाल देंगे। बाकी जो मरीज होते हैं लकवे के पैरालिसिस के लिए, उनको क्या कहना चाहोगे? एक बार ये जरूर आए साईं संजीवनी में, डॉक्टर पुरु धवन जी से मिले, बिल्कुल आपको ऐसा ट्रीट करेंगे, बिल्कुल ओके हो जाओगे आप भी, 2-3 महीने में ओके हो जाओगे। चलिए मोहनजीत जी, आपने साथ परहेज क्या किया था इलाज के साथ साथ? हाँ जी, परहेज किया था कुछ खाने के लिए जो परहेज बताया था, पूरा परहेज किया? खट्टे का पूरा परहेज रखना है, खट्टे में टमाटर भी नहीं खाना, आम अचार ऐसी चीजें कोई चीज नहीं खानी, और तली हुई चीज नहीं खानी। अगर एक मरीज सही तरीके से अपना खाने पीने पे परहेज कर लेता है, जो एक्सरसाइज बताई जाती है उसे प्रॉपर करता है, और जो मेडिसिन दी जाती है आपको साइंस संजीवनी से, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, स्ट्रिक्टली उसको लेता है, कोई मिस नहीं करता, उन पेशेंट के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो ड्रास्टिक होते हैं। अब मोहनजीत सिंह ही एक ऐसा केस है जिनके अंदर 30-40% इम्प्रूवमेंट है 1 महीने के अंदर। ये बहुत बड़ा जंप होती है पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि दिक्कत आपके ब्रेन में आई होती है। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसको ठीक कर पाना, जिसके अंदर मेडिसिन पहुंचा पाना मुश्किल काम होता है। क्योंकि अभी आपको मोहनजीत सिंह ने बताया कि इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, जीबी पंत का भी ट्रीटमेंट लिया और 5 महीने लिया, एक्सरसाइज भी की, बट कोई चेंजेस नहीं थे। मगर वहीं पर साइंस इंजीनियरिंग के ट्रीटमेंट से, 1 महीने के ट्रीटमेंट से, उसी के 1 महीने के ट्रीटमेंट के अंदर एक्सरसाइज प्रॉपर करने से इनके अंदर इतने ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं कि जो हाथ पहले बिल्कुल डेड था, उठता नहीं था, बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, उसमें सडनली इतनी अच्छी मूवमेंट है कि ये इसे प्रॉपर ऊपर ले जा पाते हैं, एक तरीके से काम कर पाते हैं। अभी 1 ही महीना हुआ है, नेक्स्ट मंथ तक जहाँ तक है इनकी हम पूरी फंक्शनिंग वापस लेकर आ जाएंगे। तो मैं मोहन जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहता हूँ बिल्कुल सर। हाँ बताइए। एक बार सर का यूट्यूब पे जो ये वीडियो बनाई है जरूर देखें, उससे बहुत आपको ताकत मिलेगी। जो बंदे छोड़ देते हैं ना जीने की चाह,
उसको बहुत ताकत मिलेगी। चलिए मोहनजीत ने इनकी बात आपको अगर समझ में आए तभी दवाई लेना, बिल्कुल समझाते का तरीका। इनकी एक बात मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ गई, जो इन्होंने कही थी अपने जो इससे पहले वाला वीडियो उसमें, कि मैंने आपको हाथ पैर की दवाई नहीं देनी, मैंने आपको जहाँ आपकी मेन हर्जाना हुआ, जो दिमाग में हर्जाना हुआ, जो दिमाग में क्लोक हुआ है, उसकी दवाई देनी है, उसको ठीक करूँगा तो ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। मेरे को इनकी बाकी मैं जहाँ भी मेडिसिन ले रहा था वो सिर्फ यही देते थे, एक बीपी की दवाई, एक कैल्शियम की, अपना सुबह शाम खाई जाओ, उससे तो कुछ हो ही नहीं रहा था ना कुछ। मेरे को बात समझ आ रही थी, कोई दवाई तो दे नहीं रही थी, तो कैसे ठीक हुआ मैं, मेरे में कैसे। हाँ, इसलिए हो पाता है ये चीज़ जो अभी मोहनजीत ने बताई, ये कॉमन चीज़ है, ये हर एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर ब्रेन के नुकसान को भरपाई करने की मेडिसिन नहीं है, इसलिए डॉक्टर्स आपको नहीं दे पाते। एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्टिंग के इमरजेंसी केसेस के अंदर बहुत अच्छी होती है, अगर किसी को पैरालिसिस का स्ट्रोक हुआ है, एकदम आया है और वो पहले 3-4 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तो उसको एक इंजेक्शन होते हैं टीपीए का, वो टीपी का इंजेक्शन दिमाग के अंदर हो रहे नुकसान को काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर लेता है। अगर पेशेंट इस इंजेक्शन को लगवाने से चूक जाता है, टाइम ज़्यादा हो जाता है कि वो पहचान ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, या हॉस्पिटल पहुँचने में टाइम लग जाता है, ऐसे केसेस के अंदर जो दिमाग के अंदर डैमेज है वो काफ़ी हद तक हो चुका होता है, उसको इंजेक्शन से रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। वहीं पर काम आता है साइंस संजीवनी की मेडिसिन। जो साइंस संजीवनी जो ट्रीटमेंट देता है वो एक ऐसी अप्रोच है जो हर एक डॉक्टर को रखनी चाहिए, कि दिक्कत अगर आपके ब्रेन में हुई है, ब्रेन के अंदर नुकसान हुआ है, ब्रेन के अंदर क्लॉट आया है, ब्रेन के टिश्यू को नुकसान पहुँचा है, तो ट्रीटमेंट भी ब्रेन का करें, ना कि आपके हाथ पैर का। क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स पैरालिसिस ट्रीटमेंट में करते हैं वो अक्सर आपको मसल्स की मेडिसिन देते रहते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए बोल देंगे, फिजियोथेरेपी करने के लिए बोल देंगे, मगर वो इस बात से चूक जाते हैं कि जो मेन प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से आपका सीटी स्कैन करवाया गया, आपका एमआरआई करवाया गया ब्रेन का, वो इसलिए करवाया गया क्योंकि दिक्कत जो थी आपके ब्रेन के अंदर थी, ना कि आपके हाथ पैर के अंदर। क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है हमारे हाथ पैर को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करता है, किसी तरह का भी नुकसान अगर ब्रेन के अंदर आता है उसका असर हमारे हाथ पैर पर नज़र आना शुरू होता है, कि हमारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे। तो अगर हर एक डॉक्टर ये अप्रोच लेके चलता है कि मैंने इसकी ब्रेन को ठीक करना है और इसकी मसल्स को ठीक रखना है एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से, तो हर एक डॉक्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे हो जाएंगे। तो साइंस संजीवनी की हमेशा कोशिश यही रहती है हर एक पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर, कि हम उसकी जड़ पर जाकर काम करें, पेशेंट की जड़ में जाकर काम करते हैं, रोग की जड़ में जाकर काम करते हैं, तो रिजल्ट्स हमें मोहनजीत जैसे मिल जाते हैं। अगर कोई पेशेंट में 30-40% पहले महीने में रिजल्ट्स नहीं भी मिलते हैं, अगर पेशेंट के अंदर हमें 10% भी रिजल्ट मानते लेके चलते हैं या इससे भी ख़राब मान के चलते हैं, तो भी पेशेंट में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी जाती है 4-6 मंथ्स के बाद। तो हर एक रिजल्ट्स को, हर एक केस को एक जैसा ना समझें। आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करेंगे आपके अंदर चेंजेस डेफिनेटली दिखने शुरू हो जाएंगे फर्स्ट मंथ में, क्योंकि ये चेंजेस इतने छोटे लेवल पर होते हैं, इतने माइन्यूट लेवल पर होते हैं कि इनको जांच पाना, परख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो हर एक पेशेंट को जो साइंस संजीवनी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको यही एडवाइस की जाती है कि अपनी वीडियो ज़रूर बनाओ, अपने चलने की, हाथ उठाने की, बोलने की वीडियो ज़रूर बनाओ ट्रीटमेंट से पहले, और एक महीने के ट्रीटमेंट के बाद फिर दोबारा से उसको बनाओ और उसे दोबारा खुद चला के देखो। अगर आपको अपनी ट्रीटमेंट के अंदर अपने चलने में, अपने बोलने में, अपने हाथ उठाने में फ़र्क नज़र नहीं आता, आपको महसूस नहीं होती ताकत, आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताओ और साई संजीवनी के डॉक्टर्स को ज़रूर बताओ कि मैंने आपका ट्रीटमेंट लिया और एक महीने के अंदर मेरे अंदर रिजल्ट्स नज़र नहीं आए। तो डॉक्टर्स उसके पीछे हिस्ट्री में जाते हैं, देखते हैं कि क्या गलती आपसे हुई, क्या गलती हमसे हुई, क्या कमी दवाई में रह गई। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो गलतियाँ हमने की हैं हमें उसे सुधार करने का मौका मिल जाता है, पेशेंट एंड पर भी, डॉक्टर के एंड पर भी, और मेडिसिन के एंड पर भी। तो जब हम तीनों को अपनी कमियों को भरते हुए कोशिश करते हैं कि कोई भी कमी किसी से भी रह जाए उसको हम भरपाई करनी शुरू कर देते हैं, तो अगर मान लो पहले महीने के अंदर हमें रिजल्ट्स कम भी मिलते हैं तो दूसरे महीने में हमें वो कवर अप हो जाती है, तीसरे महीने में जाकर और अच्छे कवर अप हो जाते हैं। तो अगर आप साइंस संजीवनी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हमेशा अपनी एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि अपनी जो कंप्लेंट है, जेन्युइन कंप्लेंट्स, आप कभी कोशिश मत कीजिएगा कि अभी कंप्लेंट नहीं है, कंप्लेंट बना बना के आप बोले। आप अपनी कंप्लेंट जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आपको फ़ोन करते हैं या आप उनको फ़ोन करते हैं, उनको सही तरीके से बताएं, सही तरीके से आप बताएंगे, सही तरीके से समझाएंगे
तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ में जाकर हम काम कर पाएंगे, कोई कमी रह जाएगी उसको पूरा किया जाएगा। तो हम मोहन जी का धन्यवाद करते हैं आज हमें बेसिक मोटिवेशन देने का, क्योंकि तो मेरे को आपका करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक पेशेंट हमारे लिए जरूरी होता है और पेशेंट ही दूसरे पेशेंट को ये बता पाता है कि उसके अंदर कितना बदलाव है। अगर मैं ये बात मैं बोलूं कि मैं पेशेंट को ठीक कर देता हूं वो अलग है, मगर एक जब पेशेंट कहता है कि मैंने इसमें सुधार किया है, दूसरा पेशेंट उसको देखता है तो उसके अंदर आशा आते हैं, क्योंकि पैरालिसिस के जो मरीज होते हैं कई कई साल पुराने होते हैं। हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो 10 साल पुराने हैं, 17 साल पुराने हैं, उनके अंदर भी सुधार होना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि अगर आप एक साल पुरानी बीमारी है, आपको 6 महीने हुए थे, आपका सुधार जल्दी हुआ, अगर यही परेशानी आपको 2-3 साल पुरानी होती तो आप हिम्मत हार चुके होते, आपको लगता है कि दुनिया में कहीं इसका इलाज ही नहीं है, पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। अभी भी मैं हिम्मत हार ही चुका था। हाँ, तो अक्सर लोगों के अंदर यही होता है कि इसका इलाज तो है नहीं, तो लोग ये सोच के वहाँ पर हिम्मत हार कर जैसी अपनी कंडीशन होती है उसको अपना लेते हैं। मगर हमें क्या करना होता है, हमें उनके अंदर ताकत फूकनी होती है कि आप ठीक हो सकते हो, चल सकते हो, कर सकते हो। जब वो उनमें इच्छा होती है ठीक होने की तभी वो हो पाते हैं। इच्छा कब आती है, जब हम दूसरे मरीज को ठीक होते हुए देखते हैं कि वो मरीज ठीक हो रहा है। इच्छा तब आती है जब कोई मतलब गाइड करने वाला होता है, दूसरा मरीज कहता है कि मैं ठीक होता हूँ तू भी ठीक हो जाएगा, तो एक इच्छा आती है चल यार कोई बात नहीं करके देखते हैं। तो एक इच्छा शक्ति लाने के लिए एक दूसरे मरीज से मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और आज के डेट में तो नेट के जरिए भी हम एक मरीज से दूसरे मरीज से मिलना वैसे भी बहुत आसान है। पैरालाइज का मरीज कहीं जा उठ तो सकता नहीं है, घर पे लेटे ही रहेगा, लेटे लेटे वीडियो से देखता है। तभी मैं भी हिम्मत हार गया था, मैंने आपका जो वीडियो है वो मतलब देखा यूट्यूब पे, और बात मेरे को समझ में आ गई। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ जैसे मोहन जी को अपनी बात समझ में आ गई, अपनी बीमारी समझ में आ गई कि उनके हाथ पैर में कोई दिक्कत नहीं है, उनके दिमाग में क्लॉट आया था तो दिमाग का इलाज किया, और उनका असर आपने खुद देखा कि मोहन जी के जो हाथ में जो कल तक बिल्कुल डेड थे, एक महीना पहले बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, और इतनी फंटास्टिक मूवमेंट आप खुद देख सकते हैं कितने आराम से, कितनी ईजिली उन्होंने अपना पूरा हाथ उठाया है। तो मोहन जी का हम धन्यवाद करते हैं क्लिनिक में आकर दूसरे पेशेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो हिम्मत ना हारें, लगे रहें, ऊपर वाला है, मदद करेगा, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ऊपर वाला ऊपर है वो साथ देगा, और नीचे डॉक्टर साहब है ये साथ देंगे। नहीं नहीं, हम सिर्फ दवाइयाँ देते हैं, ठीक ऊपर वाला ही करता है, ये बात हम भी जानते हैं। पेशेंट को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे पास कोई देवीय शक्ति नहीं है, जो करते हैं ऊपर वाला ही करता है, जिसने रोग दिया है वही हरता है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे चलने की आगे मांगूंगा। धन्यवाद।